जी भैया, मैं गुजरात से बात कर रहा हूँ, नर्मदा डिस्ट्रिक्ट से, संजय जी। भाई। हाँ जी, मुझे एक सवाल ऐसा था कि 5 पपाया मुझे करना है। हाँ तो आपने बताया था 5 5 फुट पे ड्रीप और 9 फुट पे पान प्लांट हाँ और नाली पाली। अब इसमें मेरा सवाल ऐसा है कि बारिश ज्यादा होती है उस समय पे खेत में पानी रह जाएगा तो पपाया डैमेज हो जाएगा। बराबर। ये हमारे यहाँ का एक्सपीरियंस है, सब खेड़ूत का। यहाँ 90% खेड़ूत पाला ही करते हैं, बड़ा बड़ा डेढ़ एक डेढ़ डेढ़ फुट का। वो पानी ज्यादा रुकता होगा ना, तो फिर आपको हाइट वाला ही करना पड़ेगा। हाइट वाला ही करना पड़ेगा हाँ, पानी से इसको दिक्कत है, पपीता को वो जी। तो खेत हरे। में पानी, पानी तो खेत में टिकता नहीं है, लेकिन हाँ कंटिन्यू समझो 2 घंटा बारिश गिरा तो हाँ उस समय पे वो छोटे प्लांट हो गया। अभी तो प्लांटेशन होगा हफ्ते के बाद, मतलब 20 तारीख को होगा, हाँ तो बराबर। तो प्लांट फिर पौधा छोटा रहेगा। छोटा रहेगा। तो उस समय अभी 1.5 महीने के बाद बारिश कंटिन्यूस हुई, पानी इकट्ठा तो नहीं होता लेकिन कंटिन्यूस उस पर रहेगा तो दिक्कत होगी ना। तो 10 फीट पे गहरी नाली करो ना, तो आपका आ जाएगा वैसा। लेकिन जो फ्लैट रहेगा उसके ऊपर पानी तो रहेगा ना कंटिन्यू, बराबर। नहीं, उसके ऊपर इसलिए नहीं रहेगा कि आपकी 10 फीट पे गहरी नाली होगी। अगर आप सिंगल 5 5 पे गहरी नाली बना रहे हो तो तीखा बेड बनेगा एकदम खड़ा, और 10 पे गहरी नाली करी तो चपटा बेड बनेगा हाइट वाला। राइट। तो बारिश जो होगी वो तो स्लिपेज होकर के नाली से बह के बाहर ही जाना है। जो सही है। 10 फीट पे नाली है उसकी गहराई और बढ़ा दो तो आपका जो फ्लैट रहेगा उसकी हाइट बढ़ जाएगी। निसरा ज्यादा अच्छा होना चाहिए और बाहर ड्रेनेज होना चाहिए उसने। राइट। जी क्योंकि पाली कर देंगे, ज्यादा बड़ा पारा कर देंगे तो जो कंसेप्ट है वो सॉल्व नहीं होगा। आप ड्रिप का करेंगे ना कि फ्लड का करेंगे? नहीं, ड्रिप से है, ड्रिप से। तो ड्रिप का तो फिर आप 10 फीट पे गहरी नाली करो, कॉन्सेप्ट आपका सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। गहरी नाली कर दे खाली 10 फीट पे। ओके, तो दो दो तीन बार रेजर निकालो, ठीक है, तो वो आपको दिखेगा कि हाइट हो गई। अभी आपको 5 5 पे करना है, उसकी बजाय क्या करो, आप 10 10 पे कर लो, समझ में आ जाएगा आपको क्या है। अगर कंफ्यूजन लगे तो बीच में फिर एक बढ़ा देना। मतलब दो 5 फुट पे जो ड्रीप आई उसके बाजू का जो है उसमें सेंट्रल में एक नाली कर देना, और इस साइड एक सेंट्रल में उस साइड नाली कर देने की, जो आपके वीडियो में बताया हुआ है ना, 10 फुट पे, मतलब आ जाएगा बीच में रहेगा बिना नाली वाला, बीच में बराबर रहेगा। लेकिन आप गहराई बढ़ा दोगे तो उसकी हाइट बढ़ जाएगी, राइट, पानी का निसरा मिल जाएगा निकासी। लेकिन वो चलो वो टेबल जैसा ही रहेगा ऊपर का, तो जो 10 फीट का ऊपर का टेबल जैसा रहेगा, तो उसमें यदि कंटिन्यूस 2 घंटे बारिश गिरी कंटिन्यूस, तो उस समय क्या सिचुएशन होगी? निसरा बना हुआ रहेगा हाइट साइड। अगर आपने गहराई बढ़ा दी ना, 1 फिट कर दिया ना गड्ढे को, नाली को, तो वो बराबर टेबल से भी पानी निकल जाएगा। अच्छा, वो सीधा नाली में चला जाएगा? हाँ, वो भी स्लिप हो जाएगा। अगर पूरा ही खेत बराबर है तो नहीं निकलता है, लेकिन हमने हर 10 फीट पे नाली कर दी ना अच्छी से, राइट, तो निकल जाएगा फिर, तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, और यदि पाला ही करना है तो और क्या ऑप्शन? नहीं, पाला करना है तो ऑप्शन कुछ नहीं, आप कर सकते हो, लेकिन क्या होगा, जो आपको पपीता को सेकंड साल अगर कंटिन्यू रखना है, यह 1 साल की प्रैक्टिस है सिंगल पाले में, ठीक है, उस पर कचरे की मल्चिंग और ड्रिप का टिकना संभव नहीं होता है। आप हेवी बेड बनाओगे तो उसका ऊपर का टॉप केवल 1 फीट या 1.5 फीट का बनेगा, एक ही फीट का बनेगा, बारिश होने पर वो 1 फीट भी धुल कर नीचे आ जाएगा, फिर आपकी ड्रिप बार बार भगेगी नीचे। भविष्य के लिए कचरे की मल्चिंग और पूरा संभव नहीं है। ये आपका जो पानी वाला कॉन्सेप्ट है यह केवल जुलाई अगस्त 2 महीने के लिए है, लेकिन साल भर फिर आपको परेशानी आएगी, उसको कैसे मैनेज करोगे? हाँ, वो भी है। और नेक्स्ट ईयर इसमें पपी अकेला लगाना है उसी के अंदर। हाँ, तो 5 by 10 पे करेंगे तो 5 5 फुट जो गैप है उसमें हम किला लगा देंगे तो चलेगा ना? हाँ चलेगा, 4.5 पे भी लगा सकते हो ना, 5 by 9 पे करोगे तो छोटा नहीं हो जाएगा सब? पपाया भी उस समय रहेगा और केला भी रहेगा, तो एकदम से वो उसका कम नहीं हो जाएगा? देखो, वो तो आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि उस समय आपके पपीता की हाइट हेल्थ कैसी है। ओके, अगर आपके पपीता उस समय डैमेज हो रही होगी, वायरस आ गया होगा और ऐसा लग रहा होगा कि ये माल निकाल देंगे, फिर
पपीता नहीं रखेंगे तो आप केला लगाओगे, बराबर। और पपीता ही अच्छा चल रहा है तो आप क्यों केला लगाओगे? अगर पपीता के पत्ते लंबे हैं और उसमें फूल बोल फ्लावरिंग सब है तो उसको 9 फीट पूरी जगह चाहिए, क्योंकि उसका पत्ता ही 4.5 फीट खुद का आएगा, राइट। और अगर आपका पपीता डैमेज हो रहा है तो उसका पत्ता फिर 10 फीट हो या 9 फीट हो, डैमेज ही होना है, तो आपका केला फिर संख्या कम हो जाएगी, ऐसे में केले की संख्या भी फिर रहेगी ना। हाँ, लेकिन सब जो पपीता अच्छा है अपने को 2nd ईयर भी रखना है और उसमें फिर केला भी करना है तो फिर जरूरत ही नहीं है, फिर केला होगा ही नहीं, पतला पतला पकेगा। हाँ, वो एक पॉइंट है मेरे। हाँ, वो तो पपीता ही आपका कंटिन्यू चलेगा ना, केला तो जब लगेगा जब आपका पपीता निकलने वाला होगा, कि अभी 2 महीने में निकल जाएगा जब तक केला अपना बढ़ के हाइट हेल्थ ले ले। पपीता अगर रहा तो लगेगा नहीं, निकला पर मैंने यहाँ पे किया है कि दूसरे साल भी पपीता रखा है और उस पे केला भी बहुत अच्छा हुआ है उनका, बराबर। पर मैंने रखा कि 2nd ईयर पपीता भी चल रहा है और केला भी चल रहा है, बराबर। अभी से हम उसका एरिया बढ़ा दे तो नहीं चले 6x10? आपको अगर कंटिन्यू रखना है तो फिर बढ़ा सकते हो, आपका कॉन्सेप्ट आगे कैसा है उसके हिसाब से फिर तो बढ़ाना ही पड़ेगा। तो 5x10 करे तो चले, कम चलेगा ना, कम तो पड़ेगा अगर दोनों चल रहे हैं तो 50 स्क्वायर फीट तो 25 इसका कम ही पड़ेगा ना, कम पड़ेगा। उस समय पपीता को हटाना पड़ेगा एक करके बीच में से, तब जाके जो कमजोर पौधा हो हर तीसरे पौधे के बाद एक को हटाओ, मतलब आपका पपीता 50% रह जाएगा। हाँ, और वो बाकी केला लग जाएगा उसमें, बाकी केला लग जाएगा। राइट, हमारे यहाँ 8x7 करते हैं ऐसा करने के लिए, 8 फुट लाइन टू लाइन करते थे और 7 फुट पे पपाया लगाते हैं तो फिर बीच में केला लग जाता है, तो ये तो और ज्यादा बड़ा ग्राफ हो गया ना, अपने ग्राफ से भी बड़ा हो गया, पौधे की संख्या काफी कम आ गई, कम आ गई। हाँ, राइट, 256 अपन तो 45 स्क्वायर फीट दे रहे हैं, 1100 पौधे आएंगे, 1068 आएंगे और मेड़ पे लगाओगे तो ऐसे करके 1100 हो जाएंगे। और नेक्स्ट ईयर के लिए सोच के वो लोग पहले से बड़ा एरिया कर देते हैं ताकि केला इजीली आ जाएगा उसमें, बराबर। उसमें तो संभव है ना, फिर आपका 5x10 भी फिर तो संभव है, अच्छा 5x10 में भी सेट हो जाएगा। हाँ, एक्चुअली मैं 5 को क्यों छोड़ना नहीं चाहता हूँ कि आपका ड्रिप मैनेजमेंट गड़बड़ ना हो ऐसा। हाँ, वो पपीता का रूट का स्ट्रक्चर ज्यादा बड़ा रहता है, पता चला आपने 6-7 फीट कर दिया, ड्रिप सिंगल है, रूट डिजाइन हो नहीं रही है, जितना उससे इनपुट चाहिए वो ले नहीं पाओगे, फिर मतलब क्या फार्मिंग करने का। सही बात है एकदम। और ये 5 फुट में ड्रिप कम जाती है कि ज्यादा जाती है? 5 में ड्रिप ज्यादा रहेगी ना, 2750 मीटर आएगी ड्रिप 5 में। अच्छा, वो जाओगे तो 2300 मीटर ड्रिप आएगी, 500 मीटर ड्रिप कम हो जाएगी, तो ड्रिपर कम होंगे, पानी गिरने की मॉइस्चर वाली जगह कम हो जाएगी। हाँ, सही बात है। और किसान को लगता है मेरे को ड्रिप बच गई, अल्टीमेट प्लांट की रूट डिजाइन होने की जगह भी तो कम हो गई, बिल्कुल सही, खाली जगह बढ़ जाएगी। ओके। और इसमें मैं मुझे ये बोरे मैरीगोल्ड करना है बीच में अभी के साथ, तो आराम से हो जाएगा, उसको कोई दिक्कत नहीं। पपीता से आप करीब 2-2 फीट की जगह छोड़ सकते हो, 1.5 फीट 2 फीट इधर, 1.5 फीट 2 फीट उधर, मतलब 2-2 4, बीच में 5 फीट पे आप कर पाओगे, 4-5 पौधे लगा सकते हैं बीच में। ये जो प्लॉट 2 फीट छोड़ दिया, फिर 1-1 फीट पे ले लिया, फिर 2 फीट छोड़ दिया, तो जो बीच की जगह बचेगी 4-5-7 6 पौधे आ जाएंगे, 6 पौधे आ जाएंगे ना। हाँ, 6 पौधे आ जाएंगे। इससे पपीता के प्रोडक्शन पे कोई इम्पेक्ट नहीं आगे जाके? कोई दिक्कत नहीं, अच्छा है, अच्छा ही रहेगा ना, उखाड़ना नहीं उसको, काट के वहीं छोड़ना है जब। हाँ, वो वही कंसेप्ट है आपका, हालांकि वो मल्चिंग भी हो जाएगा उसी के ऊपर, कचरे की वो पूरा अंदर उसका अच्छा रहता है। हाँ, बारिश के बाद वो कट के वहीं डाल देंगे, बराबर। तो फिर 5x10 ही करो ना सर आपके हिसाब से, मेरे को केला भी उसमें आगे का 3 साल का प्लानिंग है तो केला तो लगाना ही है उसमें। नहीं, अपने को देखो, अगर आपको केला इसको कंटिन्यू रखते हुए केला लेना है तो फिर ग्राफ और बड़ा कर लो, और यह कमजोर होगा जब हम केला लगाएंगे तो फिर एक पौधा निकालेंगे हर तीसरे पौधे से, तो फिर 5x9 ही रखो। ओके, फिर 5x10 1 फीट में बहुत ज्यादा बड़ा ग्राफ नहीं हो रहा है।
पांच बाय नौ रखा और हमें सिचुएशन लगी कि अभी पपीता थोड़ा कमजोर हो रहा है, अभी केला हम कर सकते हैं, तो फिर तो दो पौधे के बाद एक पौधा निकालेंगे जहाँ केले के पौधे की संख्या बढ़ेगी, तो फिर पांच बाय नौ रखो ना, तो पौधे वैसे ही निकालना ही है, जगह कम होना ही है। और यदि नहीं निकालना है तो कौन सा, नहीं निकालना है तो फिर और बड़ा करना पड़ेगा ना आपको, फिर पांच बारह करे, बारह भी कर सकते हो, लेकिन आपका ड्रिप फिर सिंगल ही रहेगा क्या? हाँ पांच फीट पे रहूंगा ना, डबल भी है मेरे पास तो ड्रिप, डबल ड्रिप अगर कर सकते हो तो फिर ये छह कर लो इस पांच की बजाय, आपका बारिश का पानी निचरा भी काम हो जाएगा और उस साइड भी आपका जो आना है वो नौ या दस फीट हो गया, तो आपका केला भी बीच में आ जाएगा और ये भी कंटिन्यू चलेगा। जैसे छह फीट पे सिंगल हेवी बेड बना लो तो आपकी बारिश की टेंशन खत्म हो गई, डबल की बजाय सिंगल बना लो, ऊपर का उसका मांदा फ्लैट हो जाएगा, ठीक है, तो डबल ड्रिप आ गई उसने, ऊपर से उसका चपटापन आ गया डेढ़ से दो फीट का टेबल जैसे, हाँ तो डबल ड्रिप आ गई। अब दूसरी तरफ आप 9 फीट ले लो या 10 फीट ले लो, दो में से जो उचित लगे, अगर 10 लिया तो 60 स्क्वायर फीट होगा 6 बाय 10, और 9 लिया तो 54 स्क्वायर फीट होगा, जो आपका 8 बाय 7 लगाते हैं 56 स्क्वायर फीट, वैसे ही आ जाएगा। आप फिर नेक्स्ट ईयर उधर बीच में एक प्लांट कर सकते हो, क्योंकि इधर का ग्राफ बढ़ गया है 1 स्क्वायर फीट, और ड्रिप चाहिए कि डबल, अगर 6 पे गए तो डबल ड्रिप में रिजल्ट ज्यादा अच्छा आएगा। और बीच में जो एक छोड़ के एक में मल्चिंग कर देने का, ऐसा ना फिर वो? हाँ नहीं, फिर तो आपका मल्चिंग जो होगा वो ड्रिप के नीचे होगा ना, फिर नाली में नहीं होगा, पाली पे होगा, पाली पे, फिर मल्चिंग पाली पे होगा। ओके ओके, अपना वो डबल पट्टा पद्धति खत्म हो गया, फिर आपका हर पाली पे मल्चिंग होगा ड्रिप के नीचे। समझ गया समझ गया, और नाली अपने चलने फिरने के लिए रहेगी। ओके ओके जी, तो पाला है उसके ऊपर जितना कचरा खचुखते रहने का, व्हाइट रोड उसी के अंदर फिर चलते रहेंगे पाले के अंदर ही? हाँ उसी पे चलेंगे ना फिर, वो तो चलाना भी वहीं पर है। अच्छा वहीं चलना, बीच में तो फिर आएगा ही नहीं वो? नहीं बीच में तो चाहिए ही नहीं ना अपने को, बीच में तो वेस्टेज और अपने चलने फिरने की जगह रहेगी, तो वैसे भी टाइट होना है, दबना है उसको। सही बात है, ठीक है, चलिए आपका ये सोल्यूशन अच्छा, मुझे कल ही ये करना था इसलिए मैंने मैसेज छुआया था, बहुत कंफ्यूजन हो रहा था दो तीन दिन से। नहीं यही कर लो, 6 बाय 9 कर लो या 6 बाय 10 कर लो, लेकिन डबल ड्रिप कर लो। डबल है मेरे पास, रिजल्ट हो जाएगा। हाँ हाँ, टेबल टॉप। और उसका पाला कितना हाइट लो, डेढ़ फुट चलेगा? एक डेढ़ फुट, हाँ वो तो कर लो ना फिर अच्छी हाइट, क्योंकि बाद में मिट्टी लगेगा नहीं पपाया पे। हाँ बाद में ही लगेगा, लगाना भी नहीं चाहिए, जितना कर सकते हो उतनी हाइट कर लो, क्योंकि डबल ड्रिप है, ऊपर से फ्लैट कर दो। जी जी, और सर सुक्रोज कब तक आएगा? अभी ऑर्डर तो करना है, लेकिन बड़वानी रेड है और हम जहाँ हैं वहाँ ऑरेंज है, बड़वानी से 12 किलोमीटर है हम। ओके, लेकिन बड़वानी जो डाक व्यवस्था है वो खुल गई है, लेकिन कोरियर ले नहीं रहे हैं। ओहो, तो अभी ये समझ लो नर्मदा नदी जो पौधे जाएंगे ना, पौधे के साथ ही फिर गाड़ी में जा पाएगा, ऐसे तो जाना संभव नहीं है। ओके ओके, मतलब 15 दिन निकल जाएगा, एक महीना। हाँ मई लास्ट या जून में जो पौधे की गाड़ी जाएगी, ओके, उसी में आपको सुक्रोस मिलेगा। अच्छा और एक सर था पॉइंट, कि पेपर का जो हमें कवर लगाने का है ना, उसकी जगह प्लास्टिक का हम लगाए छाली वाला, वो कैसा रहेगा? ना प्लास्टिक और गर्माहट देगा, क्योंकि वो अवेलेबल है, इजी रोल उसका, खाली एक फुट पे कट करके उसको सीधा 4 डंडी पे लगा देना है। बात सही है, लेकिन वो ये टेम्परेचर में काम नहीं करता वो। अच्छा, वो प्लास्टिक है और ज्यादा गर्म होगा, जो न्यूज पेपर है ना सनलाइट को पार होने नहीं देगा और गर्मी को सोखता है वो पेपर में गर्मी को ज्यादा हीट को बढ़ाता नहीं, कम करता है। अब तो प्लास्टिक गर्मी को बढ़ाता है अंदर। ओके, ब्लैक होगा तो भी, ब्लैक प्लास्टिक होगा तो भी, ब्लैक में तो और ज्यादा बढ़ेगा, और ब्लैक तो सोखता है। ओके ओके, व्हाइट ब्लैक से मतलब नहीं है, मतलब है हम कौन से महीने में प्लांटेशन कर रहे हैं, वो गड़बड़ी। हाँ मेरा 20 तारीख को होगा, 25 को। तो आप तो मांदा बना करके नाली से भी पानी छोड़ दोगे ना तो भी चलेगा, वो थोड़ा क्लाइमेट कंट्रोल करेगा, इससे भले दो लेकिन एक पट्टा छोड़कर नाली से भी दे दो, ये तो ठंडक हो जाएगी थोड़ी। हाँ खेत में थोड़ा सा वो वातावरण बन जाएगा ठंडा, वो जरूरी।
उसके बगैर तो गड़बड़ आएगी। और प्लांट जो आपके पपीता के रहेंगे उनको बाहर रख लो धूप में 4-5 दिन। हाँ, पेड़ के नीचे रखो जिसको 12 बजे तक धूप लगे और 12 बजे के बाद की छाव हो, लेकिन ये जो ड्राइनेस है ये उसको मिलना चालू हो जाए। तो नर्सरी में आने के बाद 3-4 दिन बाहर ही रखे, फिर हाँ, उसके बाद ही 3-4 दिन बाहर रखो, जिसमें जो वीक होगा वो वहीं दिखा देगा। हाँ सही मैं है। कमजोर हूँ, क्योंकि वो खेत में जाएगा फिर पूरे खेत में लाड़ प्यार करना पड़ेगा, ऐसा आपको वहां दिक्कत नहीं आएगी। पर सर ब्लू कॉपर का यहाँ मुझे बोल रहे कि ब्लू कॉपर से जल जाएंगे पौधे, उसका खेडूत का ऐसा मानना है कि ब्लू कॉपर से बर्निंग होता है। नहीं, ब्लू कॉपर मैंने डालने का बोला कहाँ है, प्लांटेशन करने के पहले पहले हाँ आपको प्लग में डालना है। प्लग में क्या डालना है उसके साथ में आपको स्ट्रेप्टोमाइसिन लेना है जो एंटीबैक्टीरियल रहेगा, राइट। और आपको ब्लू कॉपर स्ट्रेप्टोमाइसिन का स्प्रे करते हुए पीछे से पानी का स्प्रे देना है, पत्तों पे कुछ रहेगा नहीं, जो जाना है प्लग में जाएगा। जी, समझ गया समझ गया, तो कंफ्यूजन दूर हो गया। ठीक है सर, चलिए आपने बहुत अच्छा गाइडलाइन दिया। ओके ओके, हाँ जी हाँ जी, थैंक यू। भाई एक सवाल रह गया था, 8x7 पे रखे तो कैसा रहेगा? फिर आपकी ड्रिप कम हो जाएगी ना, 6 पे इसलिए मैंने हाँ बोला है कि आप डबल ड्रिप डाल रहे हो। 8 पे भी डबल ही जाएगा ना, तो ड्रिप कम ड्रिप हो तो जाएगी, कम ही होगा ना उसमें भी। हाँ ड्रिप, 8 पे ड्रिप गई मतलब 4 का ड्रिप हुआ ना ओवरऑल एवरेज। हाँ अभी 6 पे डबल ड्रिप गई मतलब 3 फीट पे ड्रिप हुआ, राइट। हाँ तो फील्ड कवर हो जाएगा पूरा पानी से, ऐसा है। हाँ, उस पर गैप ज्यादा हो जाएगा ऐसा कहना है आपका, गैप ज्यादा। और जो धूप घुसेगी और जो ठंडी घुसेगी उसकी भी गैप ज्यादा हो जाएगी, वो भी एक फैक्टर है। अच्छा, धूप में भी जमीन पे ज्यादा धूप चली जाएगी। हाँ, ये अपना तो मल्टीपर्पज क्रॉप का प्लानिंग है ना, पपाया भी रहेगा और बाद में केला भी आ जाएगा। तो बाद में आएगा तो बाद की परिभाषा तो 12 महीने बाद चालू हो रही ना। हाँ मतलब अपन एकदम 12 महीने बाद कितना केला लगाएंगे ना, उसको 12 महीने बाद कितना काटेंगे, 24 महीने बाद की कटिंग का अपन आज प्लान कर रहे हैं। 24 महीने ये प्लांट तो सर्वाइव हो पहले ढंग से। सही बात है, आपके खेत क्षेत्र में हो रहा होगा, उसमें रिजल्ट आपको दिख रहा होगा, लेकिन सोने पे सुहागा 6x10 होगा। 6x10 में भी तो उसमें भी तो स्थान का ज्यादा इस रहेगा ना सर, 6x10 में गैप ज्यादा हो जाएगा। वो झिकझिक रहेगा ना मित्र, और ऐसे 10 फीट ऐसा चौड़ा थोड़ी रहेगा, वो झिकझिक रहेगा। 10 फीट पौधे से पौधा, हाँ लाइन से लाइन 6 फीट डबल ड्रिप। अभी इधर आप 9 रखो या 10 रखो वो रहेगा झिकझिक। तो दूसरी तरफ तो आपका 5 ही हुआ ना, गर्म धूप ठंडी हवा, ये केवल ऊपर से सूर्य की रोशनी सराउंड आएगी, गर्म हवा ठंडी हवा अंदर नहीं जाएगी, झिकझिक में रोशनी भी पूरी तिरछी नहीं जाएगी, ऊपर से पत्तों पर पूरा। अभी जो माइंड में ग्राफ है ना उसको पेपर पे लो और खुद दिमाग लड़ाओ तो आंसर मिल जाएगा। अच्छा, ये 60 फुट होता है आपके हिसाब से, 5x9 पे 45 होता है, लेकिन आपको हाँ। तो दूसरा क्रॉप करना है इसलिए 60 रखना जरूरी है। हाँ, उसे 6x9 भी कर सकते हैं। ओके, 54 स्क्वायर फीट आएगा, 4 से 5 स्क्वायर फीट बढ़ जाएगा। वैसे आप 8x7 लगाओगे तो वो भी 56 स्क्वायर फीट आता है। हाँ सही है, उसी स्क्वायर फीट के लगभग ही हम जा रहे हैं, लेकिन सराउंड ग्राफ पे जा रहे हैं और डायरेक्ट गर्म हवा ठंडी हवा ना घुसे इसीलिए हो गए। ठीक है ठीक है, चलिए यही रखते हैं। हाँ जी हाँ ठीक है। भैया पापा ये बता रहे हैं कि 6x के गाले में फिर ट्रैक्टर बीच में नहीं चलेगा। चलाना क्यों है ट्रैक्टर, ये बारिश के बाद एकदम खाद वो हो जाएगा, खरपतवार बहुत सारी। अब अगर मेरा कल वाला वीडियो दिखाओ ना, तो उसमें खर चलाना ही नहीं है, मतलब काट के उसको वहीं रख देने का, चलाना ही नहीं पूरे खेत में ऐसा करने का।
कि एक में चलाने का नहीं, अगर अपन वो 5x9 ले रहे हैं और जिधर नाली कर रहे हैं 5 फीट में, हाँ, तो उधर आप चला सकते हो, ठीक है। अभी आपने 6x10 लिया, ऊपर का टॉप जो है 2 फीट का और उसपे ड्रिप डाला है, ड्रिप का निसरा कैसे होता है, तिरछा जाता है, जहाँ गिरती है वहाँ चौड़ा नहीं फैलता है, नीचे जाता है लेकिन तिरछा जाता है 45 डिग्री के कोण पे। तो अभी वो निसरा जहाँ जहाँ जा रहा है तो मतलब वो बेड को तिरछा लेके जाएगा। अभी सेंटर आपका ट्रैक्टर को ऐसा डाला अपने अंदर, वो तो 5 फीट का टायर आएगा या 4 फीट का टायर आएगा, तो वो तो आपकी पपाया की रूट वूट सब तोड़ देगा, भले आपने कल्टीवेटर उसमें 2 फीट का लगाया हो, टायर 4 का आएगा। सही है। तो प्लांट से नजदीक तो पुश करेगा, जड़ों को दबाएगा वो। बात कर रहे हैं कि प्लांट के नीचे रूट के ड्रिप के ऊपर हम कचरे की मल्चिंग करें, तो वो जगह सॉफ्ट होगी, बैक्टीरियल कॉलोनी डेवलप होगी, अर्थवर्म रहेंगे, तो रूट को डेवलप होने में दिक्कत नहीं आएगी। और वही अगर दूसरी तरफ हम सिक्के का दूसरा पहलू देखें कि ट्रैक्टर अंदर डाल रहा है, तो बारिश होने के बाद जैसे ही पुशअप होता है तो जमीन कॉम्पैक्ट होना चालू होती है, वजन होता है, तो मैच ही नहीं हो रहा ना, हम फिर किस दिशा में जा रहे हैं। या तो हम रेगुलर पद्धति कर रहे हैं उसी को अडॉप्ट करें, या फिर हम इसे करें तो फिर इसको पूरे तरीके से करें, गड़बड़ होगी। तो 6x9 6x10 से 6x पाला किया मैंने, तो पूरे खेत में बाद में ट्रैक्टर कहीं भी नहीं चलाना है, जरूरत ही नहीं है। अभी से गहरी नाली कर दो आप, जितना आप पाला बन गया तो नाली तो हो ही गई ना। आपने जो गहरी नाली कर दी वो कर दी, अभी जो प्लांटेशन किया आपको निंदाई गुड़ाई कहाँ करवाना है, प्लांटेशन के आसपास राउंड द 1 फीट, ठीक है। उसके बाद जो खरपतवार आ रहा है उसको बार बार निंदाई की बजाय आने दो ना, जब ही वो काटने लायक हो जाए 1 फीट 1.5 फीट 2 फीट बराबर, तो उसको जमीन की सतह से काटो, उखाड़ो मत। काट दिया और वही कटा हुआ कचरा आपकी ड्रिप के नीचे कचरे की मल्चिंग का काम करेगा, राइट। और जहां से काटा है बहुत सा ऐसा होगा जो रीफुटाव करेगा, और बहुत सा ऐसा होगा जो सुकुड़ने लगेगा, सूखने लगेगा। सही। जो सूखने लगेगा उसको कीट पतंग अर्थवर्म खाने आएंगे और आपकी जमीन को ढीली करेंगे। तो कल्टीवेशन हम क्या कर रहे हैं, बायोडायनेमिक कल्टीवेशन कर रहे हैं, उनके लिए कच्चा माल रखेंगे। अगर ऊपर से काटा और उखाड़ा तो वहां पर रूट वगैरह कुछ नहीं है, नीचे जो गहरे बीज चले गए वो उखड़ के वापस ऊपर आ जाएंगे और वापस नया खरपतवार आ जाएगा। पापा या उसके पापा भी, मतलब आपके दादाजी भी जो कर रहे थे खेती जी, उन्होंने खरपतवार को निकाल के बाहर ही फेंका है, पापा ने भी बाहर फेंका है और आप भी बाहर फेंक रहे हो। सही है। फिर नया बीज कहाँ से आ रहा है? नया, सही बात है। तो कॉन्सेप्ट को चेंज करना है, जो पड़ा है उसको अर्थवर्म ने खा लेना चाहिए। तो अगला आपको केले में कोई खरपतवार दिखेगा नहीं, और जो प्रैक्टिस कर रहे हो वैसी करी खरपतवार आएगा ही, वैसा ही रहेगा जैसा अभी तक है। सही। जमीन टाइट होगी वो अलग। और दूसरी बात सर, कि पाले के ऊपर अगले साल हम केला लगाएंगे, तो पापा का ये कहना कि ऊपर हमने लगाया तो केला गिर जाएगा, बड़ा होगा हवा की वजह से। नहीं गिरेगा, कुछ नहीं, नहीं गिरेगा, क्योंकि वो पाले की जमीन कुछ सॉफ्ट रहती है ना, तो हवा की वजह से वो गिर जाता है। कुछ भी नहीं होगा। वो पाले के सेंटर में लगाना है कि साइड में लगा देना है फिर पपाया, अरे केला, केला आपका जो मांदा दिखेगा ना वो तो डायरेक्ट बीच में ही लगेगा ना, फिर बीच में लगेगा। हाँ, ये कंफ्यूजन था, पापा बोले यार तुम ट्रैक्टर कैसे चलाओगे 6 फुट के अंदर, चलाने नहीं है, मैं फिर से एक बार पूछ लेता हूँ आपके संतोष के खातिर। उनको वो वीडियो भी दिखाओ क्या होगा, आपके मन में जो बाइट्स होगी ना वो आप मेरे से बात कर रहे समझ में आ रही, लेकिन पापा के मन में और कुछ होगा, तो उनको समझ में भी आना चाहिए कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। हाँ, वो बोले तो बहुत कचरा हो जाएगा खेत में पूरा, मतलब पानी नहीं चलेगा कचरे की वजह से। खरपतवार उसको पाले पे डालने है ना सर, पहले काट काट के पाले, और बीच में फिर बाद में बीच में भी रहने देने का है, उसमें भी फिर डालते जाना है। नहीं, बीच में रहेगा ही नहीं ना, बीच में हमारे चलने फिरने के लिए जगह रहेगी।
ओके, हाँ काटते रहेंगे और पाले पे डालते रहेंगे, बीच बीच का काट, जो बीच का जो रहेगा वो अपने आप खत्म हो जाएगा, आना ही बंद हो जाएगा, समय के साथ चला जाएगा। ओके, हाँ, फिर आपको बाहर से ढूंढ के लाना पड़ेगा। समझ गया ठीक है, चलिए चलिए। भाई आखिरी सवाल है, पापा बैठे हैं बाजू में, एक सवाल ट्रिगर चालू कर लो। हाँ एक खेत में ना सिंगल ट्रीज है, पापा का कहना है कि 6x9 फिर दिक्कत होगी, तो और कौन सा रख से सिंगल ट्रीज? सिंगल ट्रिप है मतलब 5 ही रखना है, दूसरी तरफ फिर आगे पीछे करो, सिंगल ट्रिप में 5 से बड़ा मत करो, मतलब पाली चलेगी 5 फीट पे करेंगे तो। हाँ पाली चलेगी, लेकिन उसमें 5 से बड़ा मत ग्राफ करो ऐसा, क्योंकि पानी के ड्रिपर कम हो जाएंगे, पानी देने की संख्या कम होगी ड्रिपर्स की, तो मॉइस्चर की जगह कम हो जाएगी। हाँ बीच का जो गैप हो उसमें मॉइस्चर की जगह कम हो जाएगी। हाँ 2750 मीटर ड्रिप आएगी 5 में, अगर 6 पे जाते हैं तो 2300 मीटर ड्रिप आएगी। हाँ वो गड़बड़ होगा फिर। दूसरी तरफ कुछ भी कर लो आप, नाव कर लो और प्रोग्रामिंग जैसा, आपके यहाँ पानी अगर ज्यादा रुक रहा है तो सिंगल बेड भी कर सकते हैं। ओके 5 से ऊपर मत कीजिए, 5 फीट पे पाला करके उसके ऊपर सिंगल डीप डाल देते हैं बराबर। हाँ, 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 और जो दूसरे डबल डीप में उसमें 6 बेड कर देते हैं, उसको 6 कर लो, डबल डीप में 6 चलेगा। राइट राइट, ये सर 7x7 का घर पापा बोल रहे वो सुटेबल नहीं रहेगा? 7 फीट से ड्रिप और 7 फीट पे पौधा नहीं सुटेबल रहेगा, नहीं रहेगा ना। एक्चुअली 7x7 जो है वो दक्षिण भारत के लिए ग्राफ है, जहाँ 32-35 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर जाता नहीं है और हवा में नमी 50% के ऊपर नीचे रहती है। राइट राइट, वहाँ 7x7 और 7x8 का ग्राफ ठीक रहता है। अपने यहाँ टेम्परेचर अभी शायद 40 होगा। हाँ 40 के ऊपर है, वो 7 फीट में अंदर घुसेगा धूप और गर्म हवा, वो प्लांट को इंजर्ड करेगी। तो सर हमने गाड़ा जैसे 6 रखा तो हमने उस साइड 9 रख दिया, तो बात तो वही कि वही घूम फिर के आएगी ना? नहीं घूम फिर के नहीं आएगी, एकदम सही रहेगी, वो झिकझेक मैंने बोला है आपको। हाँ झिकझेक, आपने 9 रखा है तो सामने की लाइन में 4.5 हुआ ना, सामने आ गया। गर्म हवा को अंदर घुसने में रोकेगा ना वो। 7x7 किया तो बीच में तो कुछ है ही नहीं, चारों तरफ 7-7 फीट है, गर्म हवा ठंडी हवा पूरी अंदर घुसेगी। सही है, वहाँ गड़बड़ चालू हो जाएगी। मतलब 5 और 6 से ज्यादा लंबा बड़ा नहीं रखना चाहिए सीरिया के लिए। 6 भी आप डबल ड्रिप और अगले साल की तैयारी का बोल रहे हैं तो इससे, वरना 5-9 ही ठीक है। ये 5-5 वाले में भी अगले साल तो केला लगाना है, तो चलेगा फिर उसमें डबल ड्रिप वाले में? देखो अभी तक मेरे से नहीं जुड़े थे और नहीं बात कर रहे थे जब तक चल रहा था, चल रहा है मतलब आगे भी चलेगा। नहीं इसलिए इतना सवाल जवाब, पापा भी बोले यार तू इतना क्यों पूछ रहे हैं, मैं जानता हूँ ना। मैं बोला नहीं नहीं वो इतना कर रहे हैं तो कितना कर रहे हैं लोगों के लिए, और इतना हमें फोन उठाते हमारा जवाब दे रहे हैं बिना चार्ज के, तो कोई ऐसा थोड़ी दे रहे है, उनको भी चिंता है, तो वो ठीक रहेगा ना। 5 मतलब सिंगल ट्रिप पे 5 और पाली सर छोटी करो या बड़ी करो सिंगल ट्रिप वाले में? नहीं पाली तो चपटी ही करना पड़ेगी, उसको तीखी नहीं कर सकते, गहराई आप बढ़ा दोगे, पानी आता है तो हम गहराई कर दें, वो बात एक अलग होगी। अच्छा, लेकिन ऊपर कितनी भी ले लो लेकिन टॉप लेवल हो, टॉप होना चाहिए, टॉप उसका चाहिए कम से कम 1.5 फीट, 2 फीट रहा तो भी अच्छा है। समझ गया, फिर हाइट में 1 फीट रखू या 1.5 फीट रखू उससे कोई लेना देना नहीं है, वो टॉप होना चाहिए बड़ा। टॉप चाहिए क्योंकि बारिश में जो आपने अगर 2 फीट भी टॉप रखा तो वो 1 फीट बचेगा, मिट्टी जाएगी बह के जाएगी। कोई बात नहीं सर, ठीक है, थैंक यू।